मोरेटोरियम ले लो भैया, मोरेटोरियम 3 साल तक का मोरेटोरियम आपको ऐसे मिलेगा जैसे कि मार्केट में आपको आलू, गाजर, प्याज या फिर जो आप फ्रूट्स खरीदते हैं, इस तरह से आपको मोरेटोरियम मिलेगा। दोस्तों ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आपने ये वीडियो हो सकता है देखी होगी, ये देखा होगा या फिर ये वीडियो देखी होगी, या फिर नहीं भी देखी है तो अच्छी बात है। इन सभी ने बताया गया कि जो FIDC है यानी कि द फाइनेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल हैज टू सजेस्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सटेंड मोरेटोरियम टाइम नेक्स्ट 3 ईयर। लेकिन एक्चुअली दोस्तों ऑन ग्राउंड कुछ और है। सबसे पहले आप FIDC के बारे में सुन लीजिए कि द फाइनेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो जितने भी हमारे देश में NBFC कंपनी है उनकी एसेट और लोन फाइनेंस को पूरी तरह से मैनेजमेंट करता है। यानी ये मान के चलिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जैसे कि बैंकों की रिप्रेजेंटेटिव RBI है, इसी तरह से इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो NBFC कंपनियों को लोन को और उनकी जो एसेट्स है उनको मैनेज करता है पूरी तरह से। अब एक्चुअली जो FIDC है उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वीडियो में बहुत सारी जगह देखा होगा, उसमें बताया गया कि 3 साल तक के लिए मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए अपील की है। लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो FIDC है उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिसी अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट दी है। ये यानी आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले ईयर आपको 2020 में फ्रेमवर्क, जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 1.0 लेके आया था, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2021 में 5 मई को लोन रिकास्ट 2.0 लेके आया। तो FIDC ने लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि जो पॉलिसी आप लोगों ने बनाई थी इसके लिए 1.0 के लिए और लोन रिकास्ट 2.0 के लिए, इसके अंदर आप अमेंडमेंट कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बना रखी है कि FIDC ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि सभी लोनों के ऊपर आप मोरेटोरियम आगे 3 साल तक के एक्सटेंड कीजिए, लेकिन जो FIDC है उन्होंने सिर्फ बिजनेस लोन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिसी अमेंडमेंट के लिए अप्रोच की है। बिजनेस लोन में दोस्तों कौन-कौन से आ जाते हैं कि जैसे MSME लोन है या जो स्मॉल बिजनेस के लिए जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे मुद्रा लोन टाइप के, यानी जितने भी बिजनेस लोन है चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, उन बिजनेस लोनों के लिए, सिर्फ बिजनेस लोनों के लिए पॉलिसी अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट की है। और उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए आगे बोला कि आप उसको जो पॉलिसी आपने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1 के लिए लेके आए थे और अभी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जो रिकास्ट के लिए 2.0 है उसके लिए जो पॉलिसी लेके आए, इन दोनों के अंदर अमेंडमेंट की। FIDC ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फ्रेमवर्क 1.0 उसका टाइम बढ़ाने के लिए और साथ में फ्रेमवर्क 2.0 का टाइम बढ़ाने के लिए डिमांड की है, जिसके अंदर बहुत सारे जो बिजनेस लोन थे उनको मोरेटोरियम भी मिला था, लोन रिकास्ट भी मिला था। यानी कि जो FIDC है उन्होंने जो जिन लोगों ने 2020 में लोन रिकास्ट के लिए अप्लाई किया था, जिनको लोन रिकास्ट मिल गया था, ये उनके लिए भी बेनिफिट्स रहेगा। अगर उन्होंने 2 साल तक के लिए लोन रिकास्ट उनको ऑलरेडी मिल चुका है और अगर FIDC की रिपोर्ट को RBI मानता है, तो उन पहले जिन्होंने 1.0 का बेनिफिट्स ले रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोन 1.0 में रिकास्ट हो गए थे, तो उनका टाइमिंग बढ़ाने के लिए साथ में जो लोन रिकास्ट 2.0 है इसका भी टाइम बढ़ाने के लिए FIDC ने लिखा है। FIDC ने बोला है कि जो लोन का टाइम को देखते हुए उसके हिसाब से आगे जो मोरेटोरियम है और लोन रिकास्ट है उसका टाइमिंग बढ़ाया जाना चाहिए। यानी सबसे पहले FIDC ने बोला है कि जो लोन टेनर है, अगर कोई भी लोन अगर 5 साल तक का है, यानी कि किसी ने भी अगर बैंक से लोन लिया, अगर उसका जो टाइमिंग है, अगर वो लोन 5 साल तक का है, तो इसमें जो ओवरऑल मोरेटोरियम है या लोन रिकास्ट है वो एडिशनली 1 साल देना चाहिए। यानी कि समझिए, अगर 1.0 में RBI ने क्या बोला था कि भाई 2 साल तक आप अपने लोन को रिकास्ट करवा सकते हो, और साथ में अभी जो लोन रिकास्ट 2.0 दिया है इसमें भी इसमें RBI ने बोला कि आप 2 साल तक एक्सटेंड करवा सकते, तो इसमें FIDC ने बोला कि जो लोन 5 साल तक के हैं, सिर्फ 5 साल तक जिनका टाइमिंग है, उनको 1 साल और बढ़ा दीजिए, यानी कि 3 साल तक का वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, चाहे वो 1.0 रिकास्ट में जिन्होंने बेनिफिट्स लिया हो या फिर जो अभी रिकास्ट 2.0 को अप्लाई करना चाहते हो। यानी अगर 5 साल तक का लोन है उसके अंदर 3 साल तक लोन रिकास्ट की और मोरेटोरियम की फैसिलिटी RBI को अवेल देनी चाहिए। सेकंड, इन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर किसी का लोन टेनर, अगर लोन टाइमिंग अगर 10 साल तक का, यानी कोई बड़ा लोन है और अगर उसकी लेंथ, यानी अगर 10 साल तक EMI देनी है, उसके अंदर एडिशनल 2 साल तक का और लोन रिकास्ट या फिर लोन मोरेटोरियम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यानी कि 2 साल तक तो पहले ही बेनिफिट्स दिया जा चुका है और 2 साल और, यानी वो अपने लोन को चाहे वो 1.0 हो या फिर 2.0 हो, दोनों रेजोल्यूशन पॉलिसी में 4 साल तक का वो लोन रिकास्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द FIDC लेटर। थर्ड में इन्होंने रखा है कि जो अगर कोई लोन है अगर उसका टाइमिंग 10 साल से ज्यादा, यानी कि बहुत बड़ा लोन है, जैसे कि कोई होम लोन है, बहुत सारे NBFC कंपनी से ले रखा है जिसका टाइम 15 साल होता है, 20 साल होता है, तो FIDC ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोला कि जिस लोन का टाइमिंग 10 साल से ज्यादा है उन लोनों को आगे 3 साल तक का और एडिशनल बेनिफिट्स मिलना चाहिए। यानी कि जिन्होंने अभी रिकास्ट करवाया है 2020 में उसको 2 साल तक का बेनिफिट्स था, तो उसको भी 3 साल और एडिशनल देना चाहिए, यानी उसका बेनिफिट्स हो जाएगा 5 साल तक।
का, और अभी जो लोन रिकास्ट 2.0 है जिसके अंदर 2 साल तक का बेनिफिट दिया कि 2 साल तक आप रिकास्ट करवा सकते हो, इसको भी 3 साल एडिशनल देना चाहिए, यानी उसको 5 साल का बेनिफिट होना चाहिए, 3 साल ये प्लस 2 साल ये, यानी जो FIDC है उन्होंने 3 तरह के कैटेगरी के लोन रखे, उन्होंने तीनों में टाइम, यानी कि अगर 5 साल तक का टर्नर है उसको 1 साल बढ़ाना चाहिए, यानी टोटल 3 साल तक का रिलीफ मिलना चाहिए। अगर लोन 10 साल तक का है तो उसमें जो 2 साल एडिशनल और देने चाहिए, यानी टोटल 4 साल हो गए, और जो लोन 10 साल से ज्यादा है उनके लिए 3 साल और एडिशनल, यानी 5 साल तक का होना चाहिए। FIDC की ये रिकमेंडेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। दोस्तों FIDC ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो लेटर लिखा है ये सिर्फ एंड ओनली कितने भी ओनली इसके अंदर लगा लीजिए, ये बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो आपका MSME लोन हो या फिर कोई भी छोटे मोटे बिजनेस के लिए हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री के नाम से भी बिजनेस लोन आते हैं, यानी सिर्फ बिजनेस लोन के लिए, जो बिजनेस इंपैक्टेड हुए हैं COVID-19 में उन्हीं की रिलीफ के लिए, MSME है, स्मॉल बिजनेस है, और साथ में FIDC ने यह भी बोला है कि अगर बिजनेस लोन लिया गया है, अगर अभी RBI ने क्या बोला कि 1 अप्रैल तक मतलब 31 मार्च तक वो जितने भी लोन है वो पूरे के पूरे NPA में नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड अकाउंट में होने चाहिए, तो इधर FIDC ने बोला कि आप डायरेक्टली चाहे वो NPA में गए हो या नहीं NPA में गए हो, या स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, सभी को ये बेनिफिट्स देना चाहिए। FIDC ने आगे रिकमेंडेशन में एक और बहुत गजब की बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि जितने भी ये जो लोन रिकास्ट होंगे, जो बिजनेस लोन है या MSME लोन है, ये पूरी तरह से डिजिटल होने चाहिए, क्योंकि COVID-19 जो पेंडेमिक है इसमें लोग बैंकों की विजिट नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसके लिए पूरा यही प्रोसीजर होना चाहिए कि या तो आप जो डॉक्यूमेंट है उनको डिजिटलाइज कीजिए, अपलोड करवा लीजिए, या फिर कोई ऐसी विंडो ओपन कीजिए कि जिससे डायरेक्ट जितने भी बोरोवर हैं जो MSME लोन ले रखे हैं या बिजनेस लोन ले रखे हैं वो डायरेक्टली पूरे के पूरे घर बैठे मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू अप्लाई कर सके, अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड किए जा सके, या फिर अगर और वेरिफिकेशन चाहिए तो वो भी पूरी वीडियो कॉल के थ्रू, ये जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी लोन रिकास्ट के लिए पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा न छूट सके लोन रिकास्ट के लिए, कोई भी बिजनेस इससे न छूट सके। तो FIDC की दोस्तों ये क्लियर रिकमेंडेशन है कि जो जितने भी MSME लोन है, बिजनेस लोन है, चाहे वो लोन छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, की रिकमेंडेशन के लिए दोस्तों लेटर लिखा गया। इसके अंदर जो रिटेल बोरोवर हैं, पर्सनल बोरोवर हैं, जो होम लोन्स है या फिर जो दूसरे लोन जो हम जैसे लोगों ने ले रखे हैं लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से, इनके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। FIDC रिकमेंडेड या सजेस्टेड टू RBI जितने भी MSME लोन है या बिजनेस लोन है, चाहे छोटा लोन हो या बिजनेस लोन हो, और वो मोरेटोरियम के लिए अपील नहीं किया, उन्होंने अपील किया कि एडिशनली टाइम प्रोवाइड किया जाना चाहिए, चाहे वो टाइम अगर 5 साल तक के लिए लोन है तो उसका 2 साल की जगह उसको 3 साल कर दो, अगर 10 साल का लोन है तो उसके लिए 2 साल की जगह उसको 4 साल कर दो, तो ऐसे करके उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है लोन रिकास्ट के लिए, ना कि भाई अलग से कोई मोरेटोरियम के लिए FIDC ने लेटर लिखा है। FIDC की रिकमेंडेशन को आप जाकर डायरेक्ट FIDC की वेबसाइट पर या फिर न्यूज पर जाकर पढ़ सकते। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि FIDC ने किस तरह से मोरेटोरियम या फिर जो लोन रिकास्ट के लिए जो अमेंडमेंट है RBI को लेटर लिखा, किस किस को इसका बेनिफिट्स होगा, मैंने पूरा दोस्तों क्लियर कर दिया है एक एक पॉइंट इधर। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी लगती है तो, अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। और इसी तरह दोस्तों फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप कोई भी अगर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर क्या फैक्ट बोले गए हैं उनको ध्यान से सुनिए, उन जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्टों को दोस्तों ये मान के चलिए कि ये सारे फैक्ट झूठे हैं, उसके बाद उसको नेट पे सर्च कीजिए, सराउंडिंग सर्च कीजिए कि रियलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूबर ने बोल दिया एक्चुअली ऑन ग्राउंड वो रियलिटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो कैसे अपलोड की जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।